हेलो स्टूडेंट्स, आरसीए एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम कुछ नए फॉर्मूले देखने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है आपका, सबसे फर्स्ट है इंटीग्रेशन, आपको करना है टेन एक्स टी एक्स। तो 10x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, अभी तक हमने ये फॉर्मूला नहीं देखा है। तो सबसे पहले देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको i के इक्वल में लेट कर लिया है हमने, तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कोस x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोस x dx। अब देखो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा है, तो हमने लेट कर लिया है, लेट कोस x इज इक्वल टू टी, कोस x इज इक्वल टू टी है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इम्प्लाइज। तो यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करें वापस, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, इसको तो क्या रख देंगे टी, और ये क्या हो जाएगा आपका डी टी, लेकिन ये माइनस गड़बड़ करेगा तो इस माइनस को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब इसको सब्सट्यूट कर देंगे हम, तो सब्सट्यूट करेंगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका, नीचे तो कोस एक्स की जगह तो आपका टी आ जाएगा, और ऊपर इसकी जगह क्या आ जाएगा डी टी बाई टी। तो अब हम इसको सॉरी इसकी जगह माइनस डी टी आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टी डी टी। अब यहाँ से देखो वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग मोडुलस टी या फिर लॉग टी, यहाँ पे टी पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में सी। अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे जो क्या है कोस एक्स है, तो आई इज इक्वल टू माइनस लॉग कोस एक्स प्लस में सी, ये हो गए स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन बाई सेक एक्स लिख सकते हैं, तो इसको माइनस लॉग वन बाई सेक एक्स प्लस सी, अगर हम इसको ले जाएं तो माइनस वन की पावर आगे आ जाएगा, यानी कि इसको आगे से देखें क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग सेक एक्स की पावर माइनस वन आ जाएगा प्लस में सी, तो ये माइनस वन आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये इसका एक और आंसर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या क्या आएगा आपका, माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, और हम कह सकते हैं विच इज इक्वल टू लॉग कोस की जगह हम क्या कर देंगे sec x प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका 10x का इंटीग्रेशन। अगर 10x कहीं पे भी आता है तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि बार बार काम आने वाला है और ये एग्जाम में भी आ सकता है, ये आपके फॉर्मूले का प्रूफ है। सिमिलर ही एक और फॉर्मूला है तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स, उसको भी हम देख लेते हैं, सेम इसी तरीके से होगा। इसको याद कर लेना है स्टूडेंट्स, यानी कि 10x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, तो वही सब्सटीट्यूशन से ही करेंगे इसको भी। तो इंटीग्रेशन इसको आई के इक्वल अगर हम लिख लें तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला है ये, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कोट एक्स को कोस एक्स डिवाइड बाई हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स। अब हम लेट करेंगे इसमें, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लें टी मान लें, देन या फिर इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको तो क्या मान सकते हैं टी, और इसको डी टी मान सकते हैं, तो डी टी बाई टी हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये
साइन एक्स है तो यहाँ पे भी रख देंगे प्लस में सी, तो आई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया है। अब देखो इसको कोसेक के टर्म में भी लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा इक्वल टू लॉग साइन को क्या लिख सकते हैं वन बाई कोसेक एक्स प्लस सी, तो नेक्स्ट स्टेप में लॉग कोसेक एक्स की पावर माइनस वन प्लस में सी, तो ये माइनस वन आगे आ जाएगा तो माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी ये बन जाएगा। सो आई इज इक्वल टू दो फॉर्मूले निकल के आ गए हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लॉग साइन एक्स प्लस सी या फिर माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी, ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके कोटेक्स का इंटीग्रेशन। क्योंकि अभी तक हमने कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं देखा था, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे टेन एक्स और कोटेक्स का, तो कोटेक्स का ये हो गया है और टेन एक्स का अभी अभी हमने निकाल लिया है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने होंगे, डायरेक्ट भी ये एग्जाम में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला नंबर 3 है, इंटीग्रेशन आपको निकालना है sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन निकालना है। अगर i के इक्वल इसको मान के लेके चले तो कैसे सोल्व होगा। अब हम देखो sec x को क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos x, तो इसको लेट भी नहीं कर सकते, तो क्या तरीका हो सकता है इसको और सोल्व करने का। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे sec x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया sec x प्लस टेन एक्स से, और हमने इसको डिवाइड भी कर दिया है sec x प्लस टेन एक्स यहाँ पे dx, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो लेट sec x प्लस टेन एक्स क्या करेंगे, इसको t मानेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है sec x इंटू 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव वो होता है sec स्क्वायर x इंटू में dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका sec x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया अंदर 10x प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे देखो ये जो है ऊपर वाला पार्ट है इसको तो हम क्या लिख सकते हैं dt ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या मान सकते हैं t जो कि माना हुआ है। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dt बाई t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो i इज इक्वल टू log t प्लस में c, t की वैल्यू यहाँ पे उठा करके रखेंगे, क्या है t की वैल्यू sec x प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू log sec x प्लस टेन एक्स और प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो हमारे पास निकल करके आ गया है। अब स्टूडेंट्स इसका एक और सॉल्यूशन होता है, या फिर इस क्वेश्चन को दे दे कि प्रूव दैट sec x dx इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन लिख दे उसको प्रूफ करवा ले, यहाँ तक भी लिख सकता है ये आई जी, यानी कि प्रूव दैट sec x dx इज इक्वल टू log sec x प्लस 10x, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर एक आंसर और होता है, इसको और भी हम सोल्व कर सकते हैं, तो वो हम देख रहे हैं आगे क्या कर सकते हैं इसको। देखो आगे i इज इक्वल टू चल रहा है आपका, i इज इक्वल टू log जो आपका अंदर है sec x को क्या लिख सकते हैं sin cos के टर्म में वन बाई cos x, और 10x को sin x बाई cos x हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वन बाई cos x प्लस 10x को sin x बाई cos x लिख सकते हैं प्लस सी आपका चल ही रहा है। तो इसको और सोल्व करेंगे, देखो नीचे तो एलसीएम तो सेम है लेकिन ऊपर अलग अलग है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे लोग नीचे कोस एक्स और ऊपर वन प्लस साइन एक्स ये बन गया है, प्लस में सी चल रहा है। अब इसको और सोल्व कैसे कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वन को तो क्या लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और इसको साइन टू एक्स वाला फॉर्मूला ओपन कर देंगे, और यहाँ पे भी कोस टू एक्स वाला फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में लोग साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर
एक्स वाई टू, ये तो किसकी जगह लिख दिया हमने, वन की जगह, प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स बाई टू में चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, ये हो गया है, प्लस में आपका सी चल ही रहा है, और नीचे क्या बचेगा देखो, साइन टू एक्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स है तो एक्स बाई टू में फॉर्मूला चला जाएगा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बन गया है अब आपका। तो यहाँ पे अब इसको और सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो ऊपर किसका होल स्क्वायर बन रहा है आपका, ये बन रहा है साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू के होल स्क्वायर, तो हम होल स्क्वायर बना लेते हैं लोग, ऊपर तो आपका जो है वो बन गया है साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू में कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और प्लस में आपका सी चल ही रहा है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पावर से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बच गया है, लोग साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू अपोन, यहाँ पे केवल यही बचा है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस में सी। अब देखो इसको और सोल्व कर सकते हैं, अगर ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दें, कोस से डिवाइड कर दें, तो ये टेन के टर्म्स में आ जाएगा, डिवाइड बाई कोस एक्स बाई टू, अपर साइड और डाउन साइड दोनों साइड में करना है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, जो मेन फॉर्मूला था आपने समझ लिया होगा इसको, और उतार तो आपके पास पीडीएफ आ ही जाएगा, तो चलो यहाँ से और समझते हैं इसको आगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, आई इज इक्वल टू चल रहा है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना लोग, अगर इसको कोस से डिवाइड करेंगे देखो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेन, और यहाँ पे वन, तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू लिख सकते हैं, वन प्लस टेन एक्स बाई टू, नीचे क्या बचेगा देखो, इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो वन, और ये टेन एक्स बाई टू, तो वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ऐसा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 7 में भी आया था एक बार, तो उसका सॉल्यूशन क्या किया था, अगर आपको याद है तो उसके बाद में आप सोल्व कर सकते हो इसको, अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया है लोग, तो टेन वन को क्या लिख सकते हैं हम, टेन सॉरी वन को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है वन, और यहाँ पे टेन एक्स बाई टू, अंदर यहाँ पे वन माइनस यहाँ पे वन ले सकते हैं, तो वन की जगह टेन पाई बाई फोर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे टेन एक्स बाई टू, ये बन गया है प्लस सी। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कोई एक फॉर्मूला बन गया है, और फॉर्मूला भी कौन सा बन रहा है, ये टेन ए प्लस बी वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लोग टेन पाई बाई फोर, ए क्या है आपका पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस में सी, ये निकल के आ गया है आपका सेकेंड फॉर्मूला, यानी कि sec x dx का। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन sec x dx इज इक्वल टू log tan x प्लस sec x प्लस सी, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, और इसके इक्वल ही क्या रहेगा आपका, एक और रहेगा log, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, log tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस में सी। तो ये दो फॉर्मूले आपने यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर लिए हैं, फॉर्मूला भी प्रूफ कर लिया है, और आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। कहीं पे भी अगर sec x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाता है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग tan x प्लस sec x भी यूज कर सकते हैं, और लोग tan x कोस्टेक पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, ये भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक बार फिर से इनको घर पे आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से इनको प्रूफ करोगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रूफ यानी कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लेकर के फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।